क्या बोले मोदी सरकार को अच्छा अच्छा इंजीनियर नहीं लगाता है क्या? घोटाला वाला इंजीनियर सब, चपड़ी छाप इंजीनियर सबको लगाता है, डिग्री फेल इंजीनियर सबका यही हालत होगा। ओरिजिनल इंजीनियर को लगाए तब ना, यही बात। और कचरा टाइप का मिट्टी से ये काम हुआ है, ये ऊपर स्तर जांच होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए, इस तरह का रोड और इस तरह का पुल बिल्कुल पहले जांच होना चाहिए। नौकल बेडमिसाली ठाकुर का आगे नौकल नदी का बेडमिसाली लाया है और नौकल बालू से काम किया है, घटिया किस्म का काम हुआ है। ये बढ़िया काम ये रोड का भी नहीं होगा, एक भी काम इस कंपनी का ठीक नहीं है, ये तो सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा। इससे अच्छा तो अंग्रेज था, जो अंग्रेज बना के गया है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो अभी मोदी सरकार का पुल आया है वो तो खत्म है, मोदी तो बेकार है, बेकार है, बेकार है। कोई काम पसंद नहीं आया आपको? पसंद नहीं आया। नमस्कार, सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर आज मैं मेची पुल यानी मेची नदी पहुंच चुकी हूं और इस वक्त यहां पर मौजूद हूं। हालांकि आपको देखा होगा कि सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर इससे पहले भी मैं आई हुई थी ताकि मेची पुल ऊपर जो बन रहा है नदी के ऊपर, उस पुल में जो खामियां नजर आई हैं उन तमाम चीज़ों को एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक पत्रकार होने के नाते मैंने ऑपरेशन किया था और वो ऑपरेशन मेरा काफ़ी कामयाब रहा है। मैं आपको बताती चलूँ, ये पुल बन रहा है जहाँ पर आप देखें लकड़ी का जो तख्त है वो चीज़ें यहाँ डाली गई। अब जरा एक बार कैमरा को पैन करेंगे और जरा दिखाएं गौर करके कि किस तरीके से इस पुल को तैयार किया जा रहा है। हालत बद से बदतर हालत है और उसमें लकड़ी के साथ साथ आप उसमें आप ये देखें जरा, रस्सी से बांधा गया है, लोहे को बांधा गया है, सीढ़ी वगैरह लगाई गई है और सारी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि कैमरा पैन करके आप दिखाएं कि क्या ये पुल जो करोड़ों रुपए का पुल बन रहा है क्या ये चूना लगाने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लूट खसोट का काम लगातार जारी है और इन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये पुल जो बन रहा है। हालांकि मैंने आपसे कहा था मोरबी पुल पार्ट टू की मैंने बात कही थी क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से एक पुल धराशायी हुआ था और वो घड़ी बनाने वाली कंपनी एक पुल बनाता है जिसकी वजह से 150 लोगों की मौत हुई थी, वही मोरबी पुल पार्ट टू मैंने इसका नाम दिया था। मेची पुल नहीं बल्कि मोरबी पुल पार्ट टू मैंने नाम दिया था और मेरी जो बात है बिल्कुल सच साबित हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जानकारी जो मुझे मिली है, जानकारी ये है कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी के जरिए जांच कमेटी में अगर उसे पास किया जाता है तो ये पुल कामयाब होगा या नहीं होगा ये कहना नामुमकिन है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पुल चलना नामुमकिन है। ये दूसरी बार मैं मेची पुल आई हूँ ताकि मैं आपको अपडेट करा सकूँ और काम आप देखें काम बंद है, यहाँ पर एक भी इंजीनियर आपको नजर नहीं आएंगे। जानकारी ये मिली है कि ये पुल को इस मामले को लेकर CBI जांच की मांग तक उठ चुकी है। करोड़ों रुपए का पुल है, GR इंफ्रा कंपनी द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है और एक बार पैन करके दिखाएं, कैमरा चारों तरफ दिखाएं कि पुल की जो एक स्लैब जो है पुल का वो पूरा डाउन हो चुका है, जहाँ पर लकड़ी जो है वो ये देखे किस तरीके से लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह से पुल को, मैंने कहा था ये पुल नहीं बल्कि गैराज वाला पुल है जहाँ पर चक्का लगा कर उठाया जा रहा है। जरा कैमरा पैन करें, चारों तरफ दिखाएं, इतनी भारी गाड़ी जो है क्या इस पुल के जरिए क्रॉस हो सकती है? ये देखें, ये सब गाड़ियों को देखें, क्या ये सब गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती है? ये चार चक्का आठ चक्का वाला जो पुल है जी, आइए आप इधर आइए। ये पुल बनते बनते धसना शुरू हो चुका है और लकड़ी डाल डाल कर किसी तरह से जिंदा किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, क्या ये कामयाब होगा? नहीं, ये कामयाब नहीं होगा, ये घटिया किस्म GR का काम बहुत घटिया हुआ है और मतलब इसका कोई काम का मतलब अच्छा है ही नहीं। सिर्फ पुल बोल के नहीं है, पुल तो गिरा ही है, ये रोड का भी काम खराब है, नौकल बेडमिसाली और नौकल बालू से और कचरा टाइप का मिट्टी से ये काम हुआ है। ये ऊपर स्तर जांच होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए, इस तरह का रोड और इस तरह का पुल बिल्कुल पहले जांच होना चाहिए। क्या ब्लैक लिस्ट कर देनी चाहिए ऐसी कंपनी? इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, इस तरह घटिया कंपनी को बंद कराना चाहिए। पूरे बिहार में इसी कंपनी के जरिए काम चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस प्रोजेक्ट पर? नहीं नहीं, इसका काम ही खराब है, इसका कोई जांच जेबल नहीं है, कुछ नहीं है, ये करप्शन है। हाँ, करप्शन है, ये है करप्शन है कि दिन एकदम बर्बाद कर दिया इस इलाका को। नौकल बेडमिसाली ठाकुर का आगे नौकल नदी का बेडमिसाली लाया है और नौकल बालू से काम किया है, उनको लाना चाहिए बाहर से। बालू तो मुझे जानकारी मिली है जिसकी वजह से मैं खबर कवर करने के लिए आई हूँ, ये जो गलगलिया रेलवे पुल है वहाँ से नौकल बालू से काम किया है, नौकल बालू से पुल भी काम हुआ है, बालू को एक जगह में जमाया जाता है और नौकल घटिया किस्म का काम हुआ है। ये बढ़िया काम ये रोड का भी नहीं होगा,
एक भी काम इस कंपनी का ठीक नहीं है, एक भी काम ठीक ना काम ठीक नहीं है। चाहते हैं क्या इसका उद्घाटन होगा तो आप लोग होने देंगे या रोक देंगे? उद्घाटन क्या होगा, इसको पहले उसको उखाड़ के फेंक के दोबारा बनाना है। इसका उद्घाटन होगा कई दिन चलेगा, इसमें तो आदमी गिर जाएगा। गाड़ी घोड़ा ये हाईवे 27 NH 27 है। जानकारी मिली है कि 100 टन की गाड़ियां इधर से क्रॉस हो सकती है। जी जी जी, इससे ज्यादा है। कहे भाई ये बॉर्डर इलाका है हमारा, नेपाल का इलाका है, ये रोड मजबूत चाहिए, पुल मजबूत चाहिए, हमारा भारत तब ना शांति रहेगा। ये उल्टा पुल्टा काम कर देगा तो हमारा भारत कहाँ से शांति होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि मोदी सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए, इस मेची पुल की जानकारी नीतीश सरकार को भी देना चाहिए। हाँ, दोनों को ही देना चाहिए, नहीं देने से कैसे होगा काम? सब पर ये पुल नहीं चलने वाला। ना ना, ये पुल चलेगा ही नहीं, इसको बढ़िया से जाँच हुआ ही नहीं। ऊपर स्तरीय जाँच करके इस पुल का पहले शुरू से उठाना चाहिए था। अब जाँच कमेटी बैठी है इस पे, अब बैठी है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब भैया से देखे बड़ा बड़ा अफसर जो है, सीबीआई जांच की मांग आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल होना चाहिए सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होगा तब ना काम होगा। मेन है नोकल, ये पुल में भागलपुर का बालू होना चाहिए या सिलीगुड़ी का फ्रेश बालू होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये नोकल ठाकुरगंज से 7 किलोमीटर आगे में नदी है, चेंगा नदी का, इसका माल दे करके जो है कचरा टाइप का बालू और गिट्टी दे करके काम हुआ है। ये जानकारी मुझे किसी ने नहीं दी जो आपने दी है। एकदम बिल्कुल हम बोल रहे हैं, ये गलत काम हुआ है। बिल्कुल, पुल में भी हुआ है, बीच में भाई बाहर का बालू लाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, सब माल को एक जगह जमा करके। अब अच्छा देता है या खराब देता है बेचिंग पलन में, सब ले आकर भर देता है उसमें, तो आपको क्या होगा? किसी को अंदर में जाने के अलाव देता है क्या? ये तो सरकारी अफसर का काम है। ये बताएं, आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, ट्रक ड्राइवर जी। आप ये बताएं कि ये जो पुल बना है, ये लकड़ी आपकी आंखों के सामने है, आप देख रहे तख्त देख रहे होंगे, इस पर ये पुल जिंदा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये लकड़ी कब तक चलेगा? इसमें चाहिए सीमेंट, ईटा, बालू, ये सब चाहिए, रबर, रोड उड सरिया उड़िया, ये सड़ा हुआ लकड़ी कब तक रहेगा? ये सब सर के, ये तो और चला जाएगा अंदर, अंदर चला जाएगा। हाँ, कामयाब नहीं होने वाला है ना? अभी एक गिर गया था, क्या कामयाब होगा? मोदी सरकार का पुल है ये, मोदी सरकार का है। हाँ। जिसको सही से जांच करवा के सही से बनवाना चाहिए ना, ये बात है। लोकसभा चुनाव से पहले ये पुल बन रहा है। लोकसभा चुनाव से क्या बोले, क्या कहेंगे मोदी सरकार को, क्या कहेंगे, मैसेज दे आप एक। हम क्या बोले मोदी सरकार को, अच्छा अच्छा इंजीनियर नहीं लगाता है क्या? घोटाला वाला इंजीनियर सब, चपड़ी छाप इंजीनियर सबको लगाता है, डिग्री फेल इंजीनियर से यही हालत होगा। ओरिजिनल इंजीनियर को लगाए तब ना, यही बात है, यही बात है। चलिए, और कौन बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? ये जो लकड़ी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, कितना कामयाब होगा ये? तो सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, और क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार का ये पुल है, इससे अच्छा तो अंग्रेज था, जो अंग्रेज बना के गया है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो अभी मोदी सरकार का पुल आया है वो तो खत्म है। सब कहते हैं मोदी सरकार बहुत अच्छा काम देश में करती है, क्या बोलिएगा? मोदी तो बेकार है, बेकार है, बेकार है। कोई काम पसंद नहीं आया आपको? पसंद नहीं आया बिल्कुल। जो कचरा बालू जो छत में हम लोग का घर में काम करते हैं वो बालू नहीं चलता है, वो बालू इसमें डालाता है, वो बालू डाला गया है जी। आप लोग चाहते हैं कि इस पुल को लेकर जांच हो, जांच हो, दोबारा से जांच हो, बढ़िया से जांच होनी चाहिए। और जो काम कर रहा था यहाँ का मजदूर, हाँ, वो हमको इतना तक बोल के गया, जब ले यहाँ से मिट्टी हटा लिया इस वजह से बैठा है, यहाँ से मिट्टी हटा लिया इस वजह से नहीं बैठा है, पूरी तरह से खुदा ही नहीं हुआ इस वजह से बैठा है, जो पत्थर में लगा ना वो छोड़ दिया, पत्थर को नहीं हटाया। अच्छा। लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2024 से पहले किशनगंज वासियों को ये सौगात दी जा रही थी, एक तोहफा दिया जा रहा था, पुल का तोहफा जो अधूरा सा है, अधूरा ही नहीं लाचार पुल है, जिसे लंगड़ा या हैंडीकैप्ड आप कह सकते हैं। और तस्वीर में एक बार फिर से दिखाऊं, जरा पैन करिए आप कैमरा दिखाएं कि ये पुल कैसा पुल बना है, लकड़ी के ऊपर ये पुल चलेगा, ये जरा देखें। कम से कम मैं गिनती करूं, जो लकड़ी के जो तख्त लगाए गए कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 इस साइड में लगा है, और दूसरे साइड तीसरे साइड में कितना लगा है गिनती करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और आप देखें लोहे का रॉड दे देकर किसी तरह से इसे बांधा गया है,
ताकि ये पुल जिंदा हो सके। मैंने दावे के साथ कहा था ये पुल कामयाब नहीं होगा, मैं एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक पत्रकार हूँ, इसके बावजूद मैं दावा करती हूँ कि ये मेची पुल कामयाब पुल नहीं होगा। यहाँ की जनता से मैंने सवाल पूछने की कोशिश की, जनता का भी यही जवाब है कि ये पुल कामयाब नहीं होने वाला है। चाहे वो ट्रक ड्राइवर ने जवाब दिया हो, यहाँ के किसान ने जवाब दिया हो, यहाँ के बच्चों ने जवाब दिया हो, सबका मानना है कि ये पुल कामयाब नहीं होगा। बिहार सरकार भी पीछे नहीं, बिहार सरकार का भी पुल टूट चुका है, यानी एक साल में बिहार के अंदर 7 पुल टूट चुका है और रिकॉर्ड तोड़ बिहार राज्य जो है वो है जहाँ पर बार बार पुल टूट रहा है। कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वही काम हुआ है। तोहफा के नाम पर पुल बनाया गया वो भी कामयाब नहीं हुआ है और लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए, जरा दिखाए इन बच्चों को, दिखाइए, आइए आप लोग भी सेल्फी लें, यहाँ पर आइए, आइए आप लोग आइए, सेल्फी पॉइंट ही बनेगा, आइए आइए, इसका नाम मैं सेल्फी ब्रिज कर दूंगी, आइए आप लोग सेल्फी ब्रिज बना करके रहेंगे। हाँ बिल्कुल, सेल्फी ब्रिज बनकर ही ये रहेगा, सेल्फी पॉइंट बनकर ये पुल रहेगा, क्योंकि ये लकड़ी के ऊपर ये पुल चलेगा और ये नाकामयाब पुल रहेगा। मेची पुल, एक बार फिर से कहूंगी, ये मेची पुल नहीं, ये हादसे का पुल है, ये मोरबी पुल पार्ट 2 पुल है, जहाँ पर पाया धस चुका है, लकड़ी पर तख्त पर किसी तरह से इस पुल को उठाने की कोशिश है और ये कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात जो जानकारी मुझे मिली है कि अब जांच कमेटी बैठाई गई है इस पुल को लेकर और आने वाले वक्त में सीबीआई जांच की मांग की गई है और सीबीआई जांच भी इस पर होने की तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इसको लेकर क्या जवाब देती है और बिहार सरकार इस पर क्या सवाल कर पा रही है।